आपका स्वागत है। जी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जो कि हर भारतीय को जानना बेहद ही खास जरूरी है। क्या यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है? पहली बड़ी खबर जानते हैं, सीए समर्थन और इसके विरोध में जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतरे और यहाँ पर पथराव किए गए, इसके बाद क्या कुछ घटना यहाँ पर हुई है? इस घटना में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो चुकी, इसके अलावा कई और लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इसको लेकर हर तरफ यहाँ पर बवाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, वो दिल्ली में फिलहाल रुके हुए हैं। इस दौरान ये घटनाएं हो रही, तो इसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है? इसको लेकर बड़ी खबर यहाँ पर आ रही कि यहाँ पर दिल्ली में जाफराबाद में एक बड़ी यहाँ पर घटना हुई है, हिंसक घटना हुई है, इसमें कई लोग जख्मी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की तो केजरीवाल ने इस घटना को लेकर अनुरोध किया है कि सरकार से कि इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली के उत्तर पूर्वी स्कूल कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो परीक्षा है वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। ये दिल्ली के लिए बड़ी खबर है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में रुके हुए, इस बीच ये बड़ी घटना यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान आ रहा है कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी में भी वो चुनावी मैदान में होंगे, तो क्या दिल्ली में 70 में से 62 सीटें हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब यूपी और बिहार में किस प्रकार से चुनावी कैंपेन करती है? इसके अलावा अखिलेश यादव का बयान डोनाल्ड ट्रंप पर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से जनता की कमाई बर्बाद हो रही है। ऐसा यहाँ पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान जारी हुआ है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, हमारे भारतीयों को खुशखबरी है, वो भारतीय जो कि कोरोना वायरस से चीन में फिलहाल यहाँ पर, अब उनको वापसी के लिए 26 फरवरी को भारत की तरफ से विमान भेजा जाएगा, जिसमें उन कोरोना वायरस से चीन में जो लोग भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस अब लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर राहुल गांधी का भी इस जो सीए हिंसक प्रदर्शन हुआ उस पर यहाँ पर बयान जारी हुआ है। नागरिकता सीए को लेकर दिल्ली के जाफराबाद और चंदबाग में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी निंदा की है। इसके अलावा आपको जानकारी कि हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पर यात्रा है, इस यात्रा के दौरान घनिष्ठ मित्रता बताई जा रही है। इसके अलावा हमारे देश के लिए कई ऐसे उपहार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं। इसके अलावा हमारे देश की तारीफ पर तारीफ की है, जिसमें हमारे देश के कई ऐसे त्योहार हैं जिनको सब लोग मनाते हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम सब एक साथ इन त्योहारों को मनाते हैं, विविधता में एकता की उन्होंने बात कही। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या हमारे देश में जिस सरकार का माहौल, इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। साफ तौर पर पाकिस्तान को खड़े तौर पर यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब किसी प्रकार से यहाँ पर आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से एक और बड़ी खबर है कि रामवीर सिंह भाजपा विधायक को अब यहाँ पर विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्रिकेट जगत से बड़ी खबर यहाँ पर है, भारत को एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि न्यूजीलैंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और भारत दो पारियों में और न्यूजीलैंड सिर्फ 10 विकेट से इस मैच को जीती है, तो भारत को बहुत बड़ा झटका है। हालांकि विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा है कि एक आर से टीम खराब नहीं होती, जिस प्रकार से तीन वनडे और एक टेस्ट लगातार चार, विराट कोहली को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। इसके अलावा भारत में अब सोना की जो खरीदी है उस पर यहाँ पर फिर यहाँ पर बढ़ गई है, 44,000 के पार अब एक तोला सोना पहुंच चुका है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर, शेयर बाजार धड़ाम हो चुका है, शेयर बाजार में दमकर यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सूर्यवंशी की जो रिलीज डेट थी उसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि पहले 27 मार्च को रिलीज होनी थी, अब ये फिल्म जो है वो 24 मार्च को रिलीज होगी, ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही थी। अगर आप इस तरह की और बड़ी खबर जानना चाहते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।